नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कृषि विज्ञान केंद्र सिरसा में किसानों के लिए प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। नरमा की बिजाई को लेकर के जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन था। फसलों पर कीटनाशक के चयन को लेकर के भी जानकारियां दी गई, तो वहीं हाइब्रिड फसलों की बिजाई और उचित मात्रा में स्प्रे के इस्तेमाल के लिए भी जागरूक किया गया। इसमें केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान व रीजनल सेंटर में कीट वैज्ञानिक ऋषि कुमार ने इसकी पूरी जानकारी दी। पल पल सिरसा से अमर सिंह जैन की विशेष रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र में आज प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के रीजनल सेंटर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर ऋषि कुमार ने किसानों को उचित परामर्श दिए, तो वहीं शिविर के दौरान किसानों को आगामी नरमे की बिजाई की अलग अलग किस्में और समय के बारे में भी जानकारियाँ दी गई। उन्हें ये विशेष तौर पर बताया गया कि बिजाई किस समय की जाए और किस तरह के बीजों का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ फसलों में आने वाले कीटों की पहचान कर उचित मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग करने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया गया। साथ ही किसानों को अपनी समस्याएं भी उनके समक्ष रखी व जिनका निदान भी बड़ी बखूबी से किया गया। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे हाइब्रिड फसलों की बिजाई करें और उचित मात्रा में स्प्रे का इस्तेमाल करें, ताकि कीटों के नुकसान से बचा जा सके और उन पर नियंत्रण किया जा सके। वहीं प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए किसानों ने बताया कि इस तरह से कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए और इसमें किसानों को काफ़ी लाभ मिलता है। यहां मिली जानकारी से फसल की बिजाइयां भी समय पर हो सकती हैं और अच्छे उत्पादन में भी ये सहायक हो सकते हैं। कीटों की पहचान से संबंधित जानकारी भी यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पे ये कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर किसानों को आगे आने वाली कपास की बिजाई के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और इस प्रशिक्षण में मैंने किसान भाइयों को अपनी फसल की बिजाई के शुरुआत में जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में बात की है। उसके बाद अच्छे बीज का जो चुनाव करना उसके बारे में, बीज की भरपूर पूरी मात्रा रखने के बारे में, खेत में पौधों की संख्या दुरुस्त रखने के बारे में, और जो खादों के संतुलित प्रयोग के बारे में बताया है। इसके साथ साथ ही मैंने किसानों को खासकर कीट और बीमारियों के लिए, कीटों में जैसे कि सफ़ेद मच्छर, क्योंकि काफ़ी हमें जो दिक्कत प्रॉब्लम किसान भाइयों करता है उसके सफ़ेद मच्छर के बारे में विस्तार से बताया कि किस तरीके से उसका हमें खेत में सर्वेक्षण करना है। अगर उसकी समस्या दिखाई देती है तो शुरुआत में हमें जैसे नीम आधारित दवाइयों का छिड़काव करना है, और 70 दिन के बाद अगर हमें सफ़ेद मच्छर का प्रकोप दोबारा से दिखाई दे रहा है तो हमें किस किस तरह से कीटनाशकों का बदल के प्रयोग करना है ताकि हम इस कीट को नियंत्रण कर सकें। इसके अलावा हमने किसान भाइयों को जो दूसरे अन्य रसचूसक कीट है, जैसे कि चूड़ा है जिसको हम किसान भाई जुनिया चूड़ा बोलते हैं या हरा तेला बोलते हैं, अगर उसकी समस्या आती है तो उसका सर्वेक्षण कैसे करना है और किस तरीके से उसको नियंत्रण में करना है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इसके अलावा मैंने किसान भाइयों को अच्छे हाइब्रिड जो किसान भाई लगा सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी है, और मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ये हमेशा अच्छी तकनीक के साथ अपनी खेत में कपास की फसल को उगाएं ताकि वो भरपूर फसल ले सके। ये आयोजन का मुझे, अब जब मैं यहाँ किसानों के सामने आता हूँ तो मुझे लगता है इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि कई बार हम जब बीच में किसान भाई से सवाल पूछते हैं कि कौन कौन से हाइब्रिड अच्छे हैं, तो लगभग वो हाइब्रिड जो अच्छे हैं जो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ वो किसान भाइयों को पहले से पता होते हैं। इसका मतलब इन आयोजनों से किसान भाई काफी कुछ सीखते हैं। इसी तरीके से अब किसान भाई इतने जागरूक हो चुके हैं कि जैसे सफेद मच्छर है, सफेद मच्छर का पहले किसान भाई सिर्फ सफेद मच्छर को पहचानते थे, पर आज इस तरह के प्रशिक्षण ले किसान भाई सफेद मच्छर के बच्चों तक को पहचान लेते हैं और उसके लिए जो अलग से कीटनाशक आते हैं उनका प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरह के प्रशिक्षण का आयोजन चलते रहना चाहिए और ये प्रशिक्षण किसान भाइयों के बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। सर, ये जो आज की ट्रेनिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ये ट्रेनिंग जो दी जा रही है ये कपास के ऊपर है और आगे कुछ ही टाइम के अंदर जो है कपास की बिजाई का टाइम जो है बिजाई का आएगा। तो अभी से किसान जो है, जो सर हमारे साइंटिस्ट है, उन्होंने बताए कि बिजाई के बीज और बिजाई का टाइम और बिजाई के अंदर जो खाद डाले, तो इससे किसान को ज़्यादा फायदा होगा। और सर जी, मेरा जातक मानना है कि ये जो बिजाई का टाइम के वक्त उन्होंने जो ट्रेनिंग रखी है ये किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये ट्रेनिंग सेंटर बहुत ही बढ़िया है। कई बातें जो किसान को नहीं पता वो यहाँ आके, जैसे कई हम जू की दवाई कर देते हैं, इनमें कभी जू की दवाई करने के बाद सफेद तेला बढ़ता है। हम तो दुकान के पास जाते हैं, उन्होंने कई बातें बताई जो
अलग से है। मीटिंग में आने में किसान को काफ़ी कुछ मिलता है, ऐसी मीटिंगें मैं तो कहता हूँ भी होती रहनी चाहिए जिससे कुछ चीज़ें बचती हैं। मान लो दुकानदार के पास जाते हैं, वो तो अपनी देता ही उन्होंने कहा है भी ये दवाइयाँ छिड़कने से सफेद मच्छर ज़्यादा बढ़ता है, इसको आप कम करो, और ये दवाई दो चीज़ें मारती हैं, ये दो मारती हैं, इन्होंने अलग अलग बताया है। और कितनी डोज देनी है, सबसे बड़ी बात तो डोज और पानी, ये चीज़ बताई इन्होंने किसानों को, सबसे बड़ी चीज़ ये रही। और किस टाइम बिजाई करनी है, जैसे कुछ पिछेती वरायटी है, हम अगेती बीज लेते हैं, इन्होंने कहा नहीं ये पिछेती बीज नहीं है और ये वरायटी अगेती बीज नहीं है।